हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट नेटवर्क पर। तो आज बात करेंगे बिहार डाटा एंट्री ऑपरेटर की न्यू वैकेंसी के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, बिहार में डाटा एंट्री ऑपरेटर न्यू वैकेंसी निकली है। बिहार में बेल्टॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम का जो लोग इंतजार कर रहे हैं उनको डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने का दूसरा मौका मिला है। अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो ज़रूर इस फॉर्म को भरना। इसमें नो एग्ज़ाम है, ठीक है, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है, ओनली आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और साथ में टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। और शैक्षिक योग्यता और सैलरी क्या होने वाली है मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर वीडियो में। अगर आप लोग इच्छुक हैं और आप अपने बिहार के अंदर जॉब करना चाहते हैं तो अप्लाई ज़रूर करना। तो कैसे आवेदन देना है, क्या प्रोसेस है, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, आपको कैसे आवेदन देना है, सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। बस आप लोग वीडियो में बने रहिए। और फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। सो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार में से हैं और डाटा एंट्री पर बनना चाहते हैं तो आपको बिना कुछ सोचे आवेदन कर देना चाहिए। अगर आपकी कंप्यूटर और टाइपिंग में अच्छी नॉलेज जानकारी है तो आप आवेदन कर लेना। फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, आप इस मौका को मत छोड़ना। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स इसमें किसी भी तरह का एग्जाम नहीं होने वाला है। इसमें आपको इंटरव्यू लिया जाएगा जिसमें से कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, जो कि बेसिक होने वाला है, और साथ में आपको टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, हिंदी हो या इंग्लिश किसी एक में आपका यहाँ पे टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हिंदी आपका 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए टाइपिंग, और इंग्लिश आपका 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। और आपका डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट वो भी होना चाहिए आपके पास, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इस लेटर पर साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बोधगया मंदिर प्रबंधकारिणी समिति की तरफ से जो वैकेंसी निकली है फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें आपको संविदा पर नियोजित किया जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ वैकेंसी जो है बिहार का वैकेंसी है, ठीक है। ये यह बेल्टॉन को क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि फ्रेंड्स इस लेटर के पहले बिंदु पर आप ध्यान से देख सकते हैं जिसमें लिखा है उम्र 21 से 35 है वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और यह संविदा पर सेवा अवधि मात्र 3 वर्ष की होगी, ठीक है। यानी कि आपका जो है सेवा लिया जाएगा 3 वर्ष का, यानी कि आपकी जॉब 3 वर्ष का होने वाला है, ठीक है। इसके बाद आपका सेवा बढ़ भी सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसमें मंदिर में आपको कार्य करना होगा, जो मंदिर एक प्राइवेट होता है, ठीक है। इसलिए बेल्टॉन से डाटा एंट्री ऑपरेटर नहीं मांगा गया फ्रेंड्स, क्योंकि बेल्टॉन बिहार सरकार का उपक्रम है और बेल्टॉन सिर्फ सरकारी विभागों में ही आपको नियोजन करवाती है, ठीक है। और ये जो मंदिर है ये प्राइवेट है फ्रेंड्स, इसीलिए यहाँ पे बेल्टॉन से नहीं लिया गया डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है। इसके लिए एक अलग से वैकेंसी निकाली है फ्रेंड्स। मैं आप लोगों से कुछ छुपाने की कोशिश नहीं करता, जो रियलिटी है नोटिस की, जो सच्चाई है वही मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इस चैनल पर आपको हमेशा सटीक और सही जानकारी, जेन्युइन चीज़ें मिलने वाली है फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए आप लोग कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। फ्रेंड्स, इसमें दो पोस्ट है, एक असिस्टेंट अकाउंटिंग का और दूसरा कंप्यूटर ऑपरेटर। पोस्ट में सैलरी होने वाली है फ्रेंड्स आपका यहाँ पे 19,900, यानी सैलरी भी अच्छा है। आप बेरोजगार हैं उससे तो अच्छा है कि 3 वर्ष आप काम या जॉब मिल जाए आपको, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आप इच्छुक हैं तो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आपको ऑफलाइन देना होगा या ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आप दोनों भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन में कभी सर्वर प्रॉब्लम आती है बार बार, इसीलिए आपसे
मैं आपको कहूँगा कि आप ऑफलाइन ही करें फ्रेंड्स। आपको जैसे सुविधा मिलती है आप वैसे आवेदन दे सकते हैं। ऑफलाइन के लिए इस फॉर्म को भर के आपको पोस्ट ऑफिस द्वारा स्पीड पोस्ट करना होगा। इस फॉर्म को मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ से फॉर्म डाउनलोड करके भर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। तो आई होप फ्रेंड्स आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, आवेदन से लेकर एग्ज़ाम क्या क्या प्रोसेस है सारे सवाल आपको मिल गए होंगे। इस वैकेंसी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।